देश भर में कल से कोरोना वैक्सीन का ड्राई रन शुरू होगा। कोविड-19 वैक्सीन के टीकाकरण के लिए उत्तराखंड के भी सभी जिलों में कल ड्राई रन किया जाएगा। सभी जिलों में 10-10 स्वास्थ्य केंद्रों पर ये ड्राई रन होगा। स्वास्थ्य विभाग ने इसके लिए जरूरी तैयारियां पूरी कर ली हैं। पूरे भारतवर्ष में और हमारे प्रदेश में सभी जिलों में ड्राई रन का है, जिस पर हमारे स्टेट ऑब्जर्वर भी मेरे ख्याल से रवाना हो गए हैं और उनकी ड्यूटी लगा दी गई है और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर भी ड्यूटी लगी हुई है और हम पूरी तरह से तैयार हैं। और मैं ये उम्मीद करती हूँ कि जो हमारा ड्राई रन है वो बिल्कुल सफल संचालन के तहत सफल होगा। पौड़ी के जिलाधिकारी धीराज सिंह गर्ब्याल ने बताया कि स्वास्थ्य केंद्रों पर अधिकारियों और कर्मचारियों की तैनाती कर दी गई है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी के दिशा निर्देशन में ये पूर्वाभ्यास किया जाएगा। इस ड्राई रन के लगभग के लिए लगभग 10 सेंटर्स हम लोगों ने बनाए हैं, जिसमें यमकेश्वर से लेकर कोटद्वार, सतपुली, पौड़ी और श्रीनगर में सेंटर्स जो हम लोगों ने बनाए हैं, उसमें टोटल 10 सेंटर्स हम लोगों ने बनाए हैं और उसमें सेक्टर मजिस्ट्रेट, जोनल मजिस्ट्रेट और जितने भी वैक्सीनेटर और वैक्सीनेशन नेटर ऑफिसर फर्स्ट सेकेंड थर्ड की जो ड्यूटी हम लोगों ने लगा दी है। तो कल सुबह से हमारा ये ड्राई रन हमारा शुरू हो जाएगा, लेकिन फर्स्ट फेज में जो डायरेक्शन हमारे मिले हैं उस हिसाब से हम लोगों ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं कि पूरे जनपद में कितने लोगों को प्रथम चरण, द्वितीय चरण और तृतीय चरण में वैक्सीनेशन वो दिया जाएगा। उधर चंपावत में भी कोविड वैक्सीनेशन के ड्राई रन की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। यहां टनकपुर, बनबसा, चंपावत, लोहाघाट, पाटी, बाराकोट सहित 10 केंद्रों पर 250 कर्मियों पर ट्रायल किया जाना है। यहां के जिलाधिकारी सुरेंद्र नारायण पांडे ने इस बारे में जानकारी दी। कल जो है पूरी तैयारी हो गई। आज जो हमने जोनल और सेक्टर मजिस्ट्रेट को भी निर्देशित किया है कि वो इन सेशन साइट पर जाकर उनकी तैयारियों का जायजा लेंगे। अगर कोई पर कहीं पर कोई दिक्कत होगी या कमी होगी तो उसको दूर कर लेंगे, जिससे कि कल ड्राई रन में किसी प्रकार की कोई कठिनाई न आए और जब भविष्य में आगे एक्चुअल वैक्सीनेशन होगा तो उसके पूर्वाभ्यास के रूप में जो हमारे अनुभव होंगे उसको हम आगे और अच्छी तरह से कर लेंगे। इस बीच कोरोना वैक्सीनेशन के नाम पर ठगी करने वाले गिरोह भी सक्रिय हो गए हैं। उधम सिंह नगर पुलिस ने लोगों को सतर्क किया है कि टीकाकरण के नाम पर किसी भी तरह के झांसे में न आए। टीकाकरण सरकारी एजेंसियों के जरिए ही होगा। जिले के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक दलीप सिंह कुंवर ने बताया कि वैक्सीनेशन को लेकर ऑनलाइन ठगी के मामले सामने आ रहे हैं। पंजीकरण के नाम पर संबंधित व्यक्ति के आधार कार्ड समेत अन्य जानकारियां मांगी जाती हैं, जिससे उनके बैंक खाते से रकम निकाली जा सकती है। कुछ लोग जो साइबर ठगी करते हैं, ऑनलाइन ठगी करते हैं, तो वो प्रयास कर सकते हैं कि भाई ऑनलाइन आपको जो है ठग दे आपको वैक्सीन के नाम पर और ऑफ़र करें, उसमें कुछ आपको रजिस्ट्रेशन का ऑफ़र कर सकते हैं, तमाम तरह के उसमें कुछ लुभावने ऑफ़र करने के कर और आपको जो है आपको अपना ठगी कर सकते हैं। तो मैं निवेदन से भी लोगों से निवेदन है कि किस प्रकार किस तरह की ठगी में ना, जो भी वैक्सीनेशन कार्रवाई होगी वो सरकारी एजेंसीज करेंगी।